नमस्कार, अगली खबर है कानपुर से। कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद कहिजरी चौकी से एक मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस ओवरटेक करने में सवारियों से भरी बस खड्डे में गिर गई और बस में सवार 20 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। 6 सवारियों की हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। ये प्राइवेट बस सरकारी बस को ओवरटेक कर रही थी और उसी दौरान ये बस असंतुलित होकर खड्डे की तरफ जा गिरी। परिवहन विभाग की मिलीभगत से कानपुर रसूलाबाद मार्ग पर बिना वैधानिक परमिट के प्राइवेट बसें, जैसे बॉबी टूरिस्ट, सिंह टूरिस्ट एवं अन्य बसें फर्राटा भरती हैं। परिवहन विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपए की राजस्व हानि करके यह प्राइवेट बसें परिवहन निगम की बसों के आगे ओवरटेक करके सवारियों को कम किराए का लालच देकर संचालित करती हैं। संचालक उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इन बसों का संचालन कानपुर से बाया शिवली मिंडा कुआं होकर रसूलाबाद की ओर है, लेकिन प्राइवेट बस संचालक प्रशासन से साठ गांठ कर सीधे कानपुर से रसूलाबाद की ओर रोडवेज बसें चलाते हैं। वो पीछे आई थी तुम्हारे? नहीं, 48-50 ही थी बेला। नई गाड़ी? हाँ। अच्छा, धीरे धीरे।